Hi guys, welcome to All Aboard, and this is Shilpi Kanchan. So in this video, I'm going to discuss with you part 2 of IBPS Clerk Means Bolt, and there are more than 450 questions in it. So agar aapne ye PDF nahi download kiya, then still you are having 3 to 4 days for your examination, so you can download it and read it, okay? Agar aapne pehle se current affairs kare hue hain, then it is very good for your revision. So bina deri kare, ab hum shuru karte hain questions ko discuss karna. President Kovind has recently honored with National Order of Merit the highest award of which nation in African continent. So abhi hamare jo President Ramnath Kovind hain, unko kuch samay pehle ek nation ka highest civilian award National Order of Merit diya gaya hai. So ye diya hai Guinea ne. Government has introduced a new mobile app namely Dash in order to assist farmers. So ye jo app hai jo government ne launch kiya hai farmers ki madad karne ke liye, iska naam hai Meghdoot. मिनिस्ट्री पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इसको डेवलप किया है. डैश रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड आयरिस स्कैनिंग सिस्टम टू एड पुलिस इन्वेस्टिगेशंस. सो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग, ये दो चीज़ें की जाएंगी. ये सिस्टम जो नया है ये अडॉप्ट किया है महाराष्ट्र में. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक पुलिस रिसेंटली अनवील्ड अ 3D ट्रैफिक सिग्नल. सो ये किया है मोहाली की पुलिस ने, और इस सिस्टम का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इट इज इंटेलाइट्स. एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अराउंड डैश ऑफ द फॉर्मली ट्रेन्ड यूथ वॉज अनएम्प्लॉयड इन 2017-18. सो द आंसर इज 33%. यानी कि इन लोगों ने ट्रेनिंग तो ली है बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड. सो ये रिपोर्ट है 2017-18 के लिए. हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना विच विल गिव डैश रुपीज पर ईयर टू एलिजिबल फैमिली. सो इसके तहत दिए जाएंगे 6,000 रुपये उन फैमिलीज़ को जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है. सो आप स्कीम का नाम भी ध्यान रखना कि परिवार समृद्धि योजना किस गवर्नमेंट की स्कीम है. सो इट इज़ फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट. विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द रैंकिंग्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इन द कंट्री. सो ये स्टेट है मणिपुर. द थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन गुरुग्राम. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना. सो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था परिवार समृद्धि योजना जो कि है हरियाणा गवर्नमेंट की, अब यहाँ पर है कृषि आशीर्वाद योजना. सो ये स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट की. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट बिलिसी ग्रां प्री 2019 रिसेंटली. सो ये जीता है बजरंग पुनिया ने. वॉट इज़ द 2019 थीम फॉर इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त एवरी ईयर. सो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. ध्यान रखना ये इंटरनेशनल यूथ डे है जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, और अगर नेशनल यूथ डे की बात करें तो हमने अभी मनाया इसको 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर. एलेक्जेंड्रो जिया मेहती वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश. सो इसका आंसर है ग्वाटेमाला. आप ऐसे ध्यान रखना, ये जो नाम है जिया मेहती, इसमें भी जी आ रहा है और एम आ रहा है रिपीटेडली. सिमिलरली ग्वाटेमाला की स्पेलिंग में भी आ रहा है. ओके, सो इस वे में यू कैन रिमेंबर दिस. Which state government has launched a program called E-Step recently? So E-Step नाम का जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने. Women's cricket will be a part of Commonwealth Games in Dash. So ये 2022 से Commonwealth Games में women's cricket को शामिल किया जाएगा. India has contributed Dash million to the UN Special Purpose Trust Fund for Resident Coordination System. So India ने इसमें contribute किया है $1 million का. फुटबॉल प्लेयर जोस लुई ब्राउन हैज़ डाइड रिसेंटली. ही बिलोंग टू विच कंट्री? सो ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना. इसके अलावा एक और फुटबॉलर हैं डेविड विला, ये थे स्पेन के और अब इन्होंने रिटायरमेंट लिया है. इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस म्यूजियम वॉज ओपनड इन. सो पहला इंडिया का स्पेस म्यूजियम जो है ये बनाया गया हैदराबाद में. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल पैनल चेयर्ड बाय इंजेती श्रीनिवास दैट हैज़ रिकमेंडेड अ ग्रीन चैनल रूट फॉर सर्टेन अप्रूवल ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशंस. सो कॉम्बिनेशंस का मतलब यहाँ पर है मर्जर और एक्विजिशन से. सो कोई भी मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है. तो इन्होंने बोला है नो, देयर शुड बी सम ऑटोमेटिक अप्रूवल अगर जो अमाउंट है वो थोड़े कम लेवल का है. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019. सो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, दिया गया बजरंग पुनिया को एंड दीपा मलिक को. सो दीपा मलिक जो है ये पहली पैरा एथलीट दैट टू वुमेन बनी है इस अवार्ड को जीतने वाली.
The Dronacharya Award Lifetime category has been conferred on Dash by the Union Ministry of Youth Affairs and Sport. So, Lifetime category mein Dronacharya Award diya gaya Mirzban Patel ko. Recently, which ministry has launched an initiative named Nishtha? So, Nishtha naam ka initiative shuru kara hai Ministry of Human Resource Development ne. Aur humare HRD minister hai Ramesh Pokhriyal Nishank. Which will be the first Middle East country to launch the Rupee Card? So, pehli country jo ki Middle East ki hai, jahan par humara jo Rupee Card hai, wo ab chalega, that is UAE. Which state has ranked last in the list of State Rooftop Solar Attractiveness Index? सरल इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है वो लास्ट है, फर्स्ट नहीं बोला है यहाँ पर, लास्ट बोला है, सो लास्ट में है जम्मू एंड कश्मीर, वहीं फर्स्ट पे है कर्नाटका. द गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट कॉल्ड भारत क्राफ्ट. सो भारत क्राफ्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है ये किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, MSMEs. सो भारत क्राफ्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है दैट वुड बी लॉन्च्ड फॉर MSMEs. Recently, Ramnath Kovind has inaugurated the first World Youth Conference on Kindness. और ये कहाँ पर inaugurate की गई? So it happened in New Delhi. Which of the following city recently came at the top position in the recently released Safe City Index? So Safe City Index को top किया है Tokyo ने. Bhagat Singh Koshyari has been appointed as the new governor of which state? So Bhagat Singh Koshyari जी जो हैं ये governor हैं महाराष्ट्र के. The new Motor Vehicles Act came into force recently. As per the new norms, fine for driving without a license is now what rupees? So, agar aap bina license ke gaadi chala rahe ho, then you would be charged 5,000 rupees. In 2019 September, Ministry of Electronics and Information Technology, METI, jiske minister hai Ravi Shankar Prasad, tied up with which of the following for Build for Digital India program. So, Digital India program ke liye METI ne ek MOU sign kiya hai गूगल के साथ. NTPC has announced the commissioning of its first electric vehicle charging station along with OICL. Question ऐसे भी आ सकता है कि OICL ने किसके साथ में अनाउंस किया है okay that we are commissioning the first electric vehicle charging station, तो आंसर आएगा NTPC. सो दोनों को ध्यान रखना okay. Which of the following was adjudged as the best स्वच्छ iconic place under the स्वच्छ भारत mission? सो ये किया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को. India Russia recently have set up a target of reaching $30 billion in bilateral trade by, यानी कि हमारा और रशिया का जो bilateral trade है वो होगा $30 billion का by 2025. Who recently kick started Poshan Maah 2019 with a year long social and mass media campaign on the Eat Right India movement? So ये किया हर्षवर्धन ने, who is our health minister. Gujarat state has signed sister state MOU with which of the following American state? So Gujarat ne sister state MOU sign kiya hai Delaware ke saath. India's ranking improved from 40th to Dash over 2017 on World Travel and Tourism Competitiveness Index by World Economic Forum. तो पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि World Travel and Tourism Competitiveness Index release करता है World Economic Forum और India की rank है इसमें 34. President Ramnath Kovind inaugurated National Youth Summit in New Delhi. ध्यान रखना, अभी एक हमने पढ़ा था National Youth Conference on Kindness, वो भी New Delhi में हुआ था, and National Youth Summit, ये भी New Delhi में हुआ था. But these two are different, इनको confuse मत करना आप आपस में. Who among the following is the current chairman of Association of World Election Bodies? So World Election Bodies के जो chairman हैं वो हैं हमारे Chief Election Commissioner Sunil Arora. और Association of World Election Bodies का headquarter है Songdo, South Korea. Rajiv Kumar has been appointed as the R&D Managing Director of which global company? So, किस global company के Research and Development Managing Director बने हैं Rajiv Kumar? So, the answer is Microsoft. Which city came at 5th position in Asia Pacific Co-Living Index? So, Asia Pacific Co-Living Index में India के Mumbai को 5th position दिया गया है. First पर है Beijing. Which of the following cities is slated to host UN Climate Change Summit COP26 in 2020? So it will be hosted by Glasgow. और 2019 का COP25 जो था वो होस्ट किया मैड्रिड ने. Recently PM Modi has launched a campaign स्वच्छता ही सेवा. So ये जो कैंपेन है ये मोदी जी ने लॉन्च किया था मथुरा से. Finance Industry Development Council has signed a MOU with IFC, that is International Finance Corporation, which is headquartered in Washington DC, USA, to train NBFCs in country.
यानी कि जो हमारे NBFCs हैं उनके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए FIDC ने एक MOU साइन करा है IFC के साथ में। DRDO has recently tested an indigenously developed MPATGM. What does M denote in MPATGM? So MPATGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो M का मतलब हो गया यहाँ पर मैन। यूनियन HRD मिनिस्टर प्रेजेंटेड CBSE टीचर अवार्ड्स। ही ऑल्सो लॉन्च्ड CBSE's पोर्टल ऑन दीक्षा ऐप। सो CBSE के पोर्टल का नाम है विद्याधन। NGT हैज फॉर्म्ड कमिटी टू स्टॉप इलीगल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जॉइंट सेक्रेटरी डैश विल बी इट्स नोडल एजेंसी। सो NGT हो गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसने एक कमिटी बनाई है विच विल स्टॉप इलीगल अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ओके, सो इस कमिटी को हेड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जॉइंट सेक्रेटरी। माइक्रोसॉफ्ट CEO's फादर सत्या नडेला हैज डाइड। उनका नाम था BN योगांदर। अब ये पूछा है वो क्या थे। सो ही वॉज अ फॉर्मर IAS ऑफिसर। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली फाउंड एन ईको फ्रेंडली वे टू डिग्रेड प्लास्टिक। सो प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए एक ईको फ्रेंडली वे जो है ये डेवलप किया है रिसर्चर्स ऑफ IIT मद्रास ने। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्रोवाइडिंग डैश करोर्स इंसेंटिव फॉर हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया। यानी कि जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो हाउसिंग सेक्टर के हैं, जो स्टेल पड़े हुए हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, सो उनको जो गवर्नमेंट है वो देगी 10,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव। हु क्लिंच्ड मेन सिंगल टाइटल एट बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज 2019। सो बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज में जिस इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर ने खिताब जीता है वो है लक्ष्य सेन। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसेस डेमोक्रेसी इन सेल्फ डेवलपमेंट गोल नंबर। सो देखिए जो टोटल हमारे SDGs हैं वो हैं 17। सो अब हमसे ये पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है इसकी बात किस SDG में हो रही है। सो इट हैज़ बीन टॉक्ड इन SDG 16। रिसेंटली द 3-डे लॉन्ग ट्रेडिशनल नीर महत जल उत्सव वॉज कंक्लूडेड इन। सो ये जल उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। इसके अलावा एक फेस्टिवल है करंजी फेस्टिवल, जो कि रिवर की इंपॉर्टेंस के लिए सेलिब्रेट किया गया मैसूरू में। 16 इज ऑब्जर्व एज डैश डे। सो सेप्टेम्बर 16 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, और इस बार का थीम था 32 ईयर्स एंड हीलिंग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लिंच्ड 22nd वर्ल्ड टाइटल एट IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन म्यांमार। सो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। इंडियन शटलर कौशल धर्मामीर क्लिंच्ड इंटरनेशनल सीरीज टाइटल रिसेंटली इन। सो इन्होंने जो टाइटल जीता है अभी वो जीता है म्यांमार में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौशल धर्मामीर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जन सूचना पोर्टल। सो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड डैश टू प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टील इम्पोर्ट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स एंड इम्पोर्टर्स। सो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सिम्स। सिम्स का फुल फॉर्म है स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके थ्रू स्टील इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उन सबको वो प्राप्त हो सकेगी। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डैश रिसेंटली साइंड MOU इन दी एरियाज ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस तरीके का MOU साइन किया है BEML ने। BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC रिसेंटली लॉन्च्ड डैश स्कीम टू एनहेंस लोन अवेलेबिलिटी टू एक्सपोर्टर्स एंड MSMEs। सो MSMEs और एक्सपोर्टर्स को जो लोन है वो तुरंत मिल सके, हैजल फ्री लोन हो, इसके लिए ECGC ने एक नई स्कीम शुरू करी है और इसका नाम है निर्विक। इसरो एंड डैश हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम फॉर गगनयान प्रोजेक्ट। सो गगनयान प्रोजेक्ट के लिए ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसरो ने DRDO के साथ में MOU साइन किया है। ओके, नेम द एयर टू एयर मिसाइल विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली बाय इंडियन एयरफोर्स। सो इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है, उसको टेस्ट किया है, और उसका नाम था अस्त्र। केरला गवर्नमेंट हैज इंक्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर इन द नेशन। सो केरला ने मालदीव्स के साथ में एक MOU साइन करा है टू स्ट्रेंथनिंग दी कैंसर केयर ऑफ द कंट्री, लाइक मालदीव के लिए। ओके, अ मोबाइल ऐप तत्पर हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश रिसेंटली। सो तत्पर नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने।
Who among the following is the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises? So Heavy Industry or Public Enterprises के लिए हमारे मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर. अर्लियर इट वॉज अरविंद गणपत सावंत, लेकिन अब शिवसेना ने NDA से अपना समर्थन है वो वापस ले लिया है और इसी के चलते अरविंद सावंत ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. सो नाउ द न्यू मिनिस्टर इज प्रकाश जावड़ेकर. इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस म्यूजियम इज इन डैश सिटी. सो इंडिया का पहला स्पेस म्यूजियम बना है हैदराबाद में. ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 83. ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया. Recently, the Ministry of Railways has signed an MOU with Odisha government for the development of Dash Railway Station as the multimodal transport hub. So, kis railway station ko ab banaya jayega multimodal transport hub? Ye hai Bhubaneswar Railway Station. Which state government has decided to celebrate 2020 as the year of artificial intelligence? So, 2020 ko year of artificial intelligence manayega Telangana. NESCOM's Data Security Council of India has collaborated with Dash to launch digital payment अभियान. So digital payment अभियान के लिए NASCOM ने collaborate किया है Meti और Google India के साथ में. So the answer will be A and B. India and Dash recently exchanged documents in areas including space, disaster management and culture. So India और Mongolia ने इन fields के ऊपर जो है वो MOU sign करा है. कौन कौन से field है? Space, disaster management and culture. What is the overarching theme of International Day of Sign Languages? So International Day of Sign Languages की theme थी इस साल Sign Language Rights for All. Health Minister Dr. Harshvardhan launched Dash Initiative for Newborn Babies. So जो नवजात शिशु होते हैं Newborn Babies, इनके लिए एक नया initiative शुरू किया गया है जिसका नाम है उम्मीद. Dash clinched FIFA Player of the Year Award 2019 in Women Category. So Women Category में FIFA Player of the Year का award दिया गया है US की Megan Rapinoe को. Which state government launched Abhinandan Scheme to give a 50,000 rupees subsidy to education loans? So Abhinandan Scheme जो है ये है Assam Government की. Who received the 2019 Global Goalkeeper Award? So Goalkeeper Award मिला 2019 का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. Which Indian athlete honored with IAAF veteran pin for the contribution to the growth of sports? So IAAF veteran pin se sammanit kiya gaya Indian athlete PT Usha ko. Who bagged the best state award for the overall growth in tourism category on World Tourism Day? So World Tourism Day pe best state ka award diya gaya for tourism category wo hai Andhra Pradesh. Which is the joint military exercise between India and Kazakhstan? So it's very easy. Kazakhstan se liya KAZ aur India ka IND. So exercise ka naam hai Kazind. Don't confuse it with another exercise which is Khanjar. Wo hai India aur Kyrgyzstan ke beech mein. The Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti and Government of India recently launched Dash Year Rural Sanitation Strategy. So ye jo Rural Sanitation Strategy hai, this is for 10 years. Which airport has been selected as the best airport in terms of services offered to the passengers based on the ASQ survey conducted by Airport Council International? So iske according jo best airport hai uska award diya gaya Cochin International Airport in Kerala. Defense Minister Rajnath Singh launched Navy's first new stealth frigate INS. So iska naam hai INS Nilgiri. Aur yaad rakhna ye Navy ki pehli stealth frigate hai. International Dash Day is celebrated on 30th of September every year. So 30 September ko jo day manaya jata hai uska naam hai International Translations Day. Who among the following received MP Birla Memorial Award 2019? So 2019 ka MP Birla Memorial Award mila Thanu Padmanabhan ko. Who clinched men's single title at Maldives International Badminton Challenge? So Maldives International Badminton Challenge जीता है कौशल धर्मामीर ने और इन्होंने ही एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीता था इन म्यांमार. विच रेलवे जोन हैज टॉप्ड दी रेलवेज क्लेनलीनेस सर्वे 2019? सो इट हैज बीन टॉप्ड बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बैग द मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड? सो ये अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को. PM Modi has set a deadline to achieve the target of eradicating single-use plastic from India by. So, ये target set किया है that we will be eradicating single-use plastic from India by 2022. Recently, President Ramnath Kovind has conferred Vayoshreshtha Samman 2019, which was instituted by.
यानी कि वयोश्रेष्ठ सम्मान जो है ये किस मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट किया था? सो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रकाश पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग कोल सप्लाई टू पावर प्लांट्स इन न्यू दिल्ली. एक पोर्टल तैयार करा गया है, प्रकाश पोर्टल, जिसमें ये मॉनिटरिंग करी जाएगी कि जो भी पावर प्लांट्स हैं दिल्ली में उनको कोल सप्लाई किस तरीके से हो रहा है उस पर नज़र रखी जाएगी. सो प्रकाश पोर्टल में एच का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स यू शुड नो दैट वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रकाश. ओके, सो प्रकाश का फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी. सो एच स्टैंड्स फॉर हार्मनी. ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू गवर्नेंस इनिशिएटिव नेम्ड मो सरकार. सो मो का मतलब होता है माई, सो इट बेसिकली मीन्स माई गवर्नमेंट. सो मो सरकार इनिशिएटिव शुरू करा है ओडिशा की गवर्नमेंट ने. नीति आयोग एंड विच यू एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लॉन्च्ड यूथ को लैब रिसेंटली. सो यूथ को लैब को लॉन्च किया है नीति आयोग ने एंड UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. India's first e-waste clinic is to be set up in which of the following places? So, जो पहला इंडिया का e-waste clinic है, यानी कि जो electronic waste है उसको treat किया जाएगा यहाँ पर, so ये बनेगा भोपाल में. Center has given in principle approval for the setting up of Dash State's first ever SEZ. So, कौन सी स्टेट है जिसका पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा एट सबरूम टाउनशिप? सबरूम टाउनशिप में किस स्टेट का पहला SEZ बनने जा रहा है? सो द आंसर इज त्रिपुरा. रिसेंटली ITC लिमिटेड हैज टाइड अप विथ विच स्टेट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेल्स ऑफ चिली आउटपुट. सो ITC ने टाई अप किया है आंध्र प्रदेश के साथ में टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सेल्स ऑफ चिली आउटपुट. वॉट वॉज द 2019 थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे? सो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है ऑन फर्स्ट ऑफ मंडे ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसका थीम था फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू हेल्थ. यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, सो अवर आंसर विल बी नन ऑफ दीज. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिजिनस पीपल बाय यूनेस्को? सो यूनेस्को ने गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिजिनस पीपल बनाया है येल्तिजा एप्रिशियो को. सोहराई इज अ फेस्टिवल ऑफ संथल एंड ओराओ पीपल. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ. सो सोहराई नाम का जो पर्व है, सोहराई नाम का जो त्यौहार है, ये मनाया जाता है झारखंड में. हु वॉन दी एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड बाई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? सो ये अवार्ड दिया गया रमेश पांडे को. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिसेंटली लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल? सो ऐसी एक स्कीम लॉन्च करी गई है मेधावी छात्रों के लिए जिसका नाम है ध्रुव. ओके, ध्रुव तारा जो होता है पोल स्टार, उसके नाम पर इस स्कीम का नाम रखा गया है. हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट 20 years इन इंटरनेशनल क्रिकेट? 20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो द आंसर इज मिथाली राज. विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड गार्बेज कैफे टू प्रोवाइड फ्री मील इन एक्सचेंज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? यानी कि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पर कलेक्ट करके दोगे तो उसके बदले वो आपको फ्री मील प्रोवाइड करेंगे. इट कुड बी ब्रेकफास्ट, इट कुड बी लंच. ओके, सो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने. हु वॉन नोबल लिटरेचर प्राइज फॉर 2019? सो ध्यान रखना इस साल 18 और 19 दोनों का एक साथ दिया गया है. यहाँ पर आपसे 2019 का पूछ रहे हैं, सो द आंसर इज पीटर हंट के. और अगर 18 का पूछा जाता सो योर आंसर वुड बी ओल्गा तोकारजुक. वेयर विल बी द सिलेक्टेड लोकेशन फॉर द फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस? सो पहला नेशनल हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है लखनऊ में. गवर्नमेंट लॉन्च्ड सुमन इनिशिएटिव रिसेंटली. इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? सो सुमन नाम का जो इनिशिएटिव है ये रिलेटेड है हेल्थ से. वहीं हमने एक पढ़ा था निष्ठा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने. विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द विजन इम्प्रूवमेंट स्कीम कांति वेलुगु? सो कांति वेलुगु नाम की जो एक स्कीम है ये स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने. इंडियन रेलवेज रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स टू फैसिलिटेट पैसेंजर्स? पैसेंजर्स की मदद करने के लिए रेलवे ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सहयात्री. वॉट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट कोलकाता इन नवंबर 2019? सो ये था 5th edition और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. इसके अलावा इंडियन साइंस कांग्रेस इस साल हुई है बैंगलोर में. इंडिया एंड ADB हैव साइंड $190 million लोन एग्रीमेंट फॉर इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो द आंसर इज राजस्थान. राजस्थान की रोड कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए इंडिया और ADB ने $190 million का एग्रीमेंट साइन किया है.
Eliud Kipchoge has become the first person to run the marathon under 2 hours. So ये पहले ऐसे person बने हैं in the history of marathon जिन्होंने 2 घंटे के अंदर इसको complete किया है. ये कौन सी country से belong करते हैं? He belongs to Kenya. The first female head of Dash Award body, Sarah Danius, has died recently at the age of 57. This question is very important. अगर obituaries की मैं बात करूँ तो इसके आने के पूरे पूरे chances हैं. ये सारा डेनियस जो थी ये किस संगठन की हेड थी, किस संगठन की पहली फीमेल हेड थी? सो शी वॉज द हेड ऑफ नोबल अवार्ड बॉडी. हु वॉन डच ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन टाइटल? सो डच ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने. हु वॉन द गोल्ड इन वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग 48 कैटेगरी चैंपियनशिप दैट हेल्ड इन रशिया? सो रशिया में जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें गोल्ड किसने जीता है 48 केजी कैटेगरी में? सो द आंसर इज एकातेरिना पल्सकावा. अगर वहीं इस क्वेश्चन में हमसे पूछता कि सिल्वर किसने जीता है, देन अवर आंसर वुड बी मंजू रानी. सो मंजू रानी को इन्होंने ही हराया था एंड देन मंजू रानी गॉट सिल्वर इन वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप. हु वॉज सेलेक्टेड एज द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट? सो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं सौरव गांगुली. विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स जॉइंटली वॉन 2019 बुकर प्राइज? सो 2019 का बुकर प्राइज दो ऑथर्स को जॉइंटली दिया गया. द फर्स्ट इज मार्गरेट आटवुड हु इज फ्रॉम कैनेडा एंड द सेकेंड इज बर्नांडिन एवरिस्टो. सो मार्गरेट आटवुड की नॉवल है द टेस्टामेंट एंड गर्ल वुमेन एंड अदर, ये बुक लिखी है बर्नांडिन एवरिस्टो ने. ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई शिल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम स्टे हैप्पी, प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बाय.